नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने फूंका कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का पुतला। प्रदेश भर में पुतला दहन कर जताया विरोध। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के खिलाफ कांग्रेस के षड्यंत्र को लेकर पूरे प्रदेश में बुधवार को रोष जताया और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह एवं सांसद विवेक तन्खा का पुतला दहन किया। ग्वालियर में हेमू कॉलोनी चौराहा पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत और मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील वर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ पुतला दहन किया। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस के नेताओं के लिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना तो केवल बहाना था। वास्तव में कांग्रेस को पिछड़े वर्ग को राजनीति की मुख्य धारा से हर कीमत पर अलग करने की योजना को सफल बनाना था। सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस के ओबीसी विरोधी नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के कहने पर अधिवक्ता विवेक तन्खा द्वारा पिछड़ा वर्ग के विरोध में तर्क रखने के कारण पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को निरस्त कर दिया गया है। भोपाल में पार्टी की प्रदेश मंत्री श्रीमती लता वानखेड़े, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा एवं महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती माया नरोलिया ने बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। मार्केटिंग हेड दीपक भर्ती की रिपोर्ट।